सुरमण का पंचवटी गई और राम लक्ष्मण को देख करके और पेड़ों के पीछे गई, इतना सुंदर जुगल कुमार इससे विवाह करूं कि इससे करूं, सोच रही है। मति भ्रम है इसका है। सुरमणगा ने माया के द्वारा उस जमाने की सबसे बढ़िया साड़ी, सबसे बढ़िया गहने, सबसे बढ़िया श्रृंगार किया उसने और एक अद्भुत सुंदरी बन करके राम जी के पास में गई। और देखो सीधी गई, कोई भी लड़की विवाह कराएगी, पिताजी आप हटिए, मां आप हटिए, मैं मेरा अपने आप करूंगी, सुरमणगा कांड है। और डायरेक्ट राम जी के पास में गई। तुम सम पुरुषन मो सम नारी, यह संयोग विधि रचहु विचार। तुम्हारे समान पुरुष नहीं है, ठीक ही कह रही है, भगवान के समान कोई है, और मो सम नारी मेरे जैसी दुष्ट कोई नहीं है। लगता है विधाता ने तेरी और मेरी जोड़ी बहुत जोरदार बनाई है। और इसके बाद जो बोली ना सुरमणगा, क्या कहती है, मम अनुरूप पुरुष जगन देख्यों खोजी, लोक तिहु नाहीं, मैं तीनों लोकों में खो जाई, मेरे बराबर कोई सुंदर लड़का ही नहीं मिला। राम जी जान गए कितने घाट का पानी भी कराई, खुद ही कह रही है, गांव गांव घूमी हूं, शहर शहर घूमी हूं और तीनों लोकों में छान मारा, मेरे लायक कोई दुल्हा नहीं मिला, लेकिन तुमको देखकर कहा चलो औरों से तो तुम ही ठीक हो। मन माना कछु तुम्हें नहीं, कुछ दिल मान गया, अब बताओ। यह दुष्ट कह रही तुम्हें भी देखकर कुछ दिल माना, चलो नहीं तो तुम ही सही। भगवान राम जान गए कितनी दुष्ट है। तब भगवान ने कहा देख मेरे साथ तो मेरी पत्नी बैठी है, वो देख। अहीं कुमार मोर लघु धाता, लक्ष्मण जी को क्या बताया, कुमारा, क्या बताया, लक्ष्मण जी तो ब्याया हुआ था, भगवान ने कहा जैसे तू कहती है ना मैं कुमारी हूं, वैसे वो भी कुमारा है, देख ब्याया हुआ कुमारा है। यही कुमार मोर लघु भ्राता, और देख उससे विवाह कर ले, कहा चलो नहीं तू नहीं तो वो सही। ये है दुष्टता, भगवान को देख करके, पशुपतिनाथ को देखकर बस तुम ही हो, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, तो प्रभु प्रकट हो जाए, तुम नहीं तो तुम सही की नीति खत्म करो। गई लक्ष्मण जी के पास में, लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने भी चढ़ा दिया, सुंदरी सुनो मैं उनकर दास, ये सुंदरी मैं तो उनका नौकर हूं और तुम जानती हो सेवक कभी संसार में सुखी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। लक्ष्मण जी ने जोरदार बात कही, सेवक सुख चाहे मान भिखारी, व्यसनी धन सुभगत व्यभिचारी, सेवक सुख चाहे कभी नहीं हो सकता है, उसको सबके खाने के बाद खाना पड़ता है, सब कुछ को खाते देख करके सेवक बनना कोई साधारण बात नहीं है। सेवक सुख चाहे और भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी आदमी चाहे मेरे पैसा हो जाए, रोज जुआ खेले रोज शराब पिए वो मेरे घर में पैसा रह जाए, और व्यभिचारी चाहे कि मेरी गति हो जाए। लोभी जस चहे चार गोमानी, नव दो ही दूध चहे तो एक पानी, एक टक्का तो खर्चे नहीं और कहे मेरा दुनिया में नाम हो जाए, बिना पैसा खर्चे नाम होता है क्या। लोभी जस चहे, लोभी को जस मिलेगा। एक आदमी बहुत लोभी था, उसके गुरुजी ने कहा कभी तो एक रुपया मंदिर में देकर, कभी तो चढ़ा, बोला आज तक तो चढ़ा ही नहीं, 55 साल का हो गया, कहा चढ़ा गया जा, वो एक रुपया लेके गया मुट्ठी में, लेकिन मंदिर में जाते जाते पसीना आ गया मुट्ठी में, खोला तो देखा ओ तू इतना रोया, मैं तेरे को नहीं चढ़ाऊंगा वापिस ले आया, ये भगवान तू इतना रोया। लोभी जस चह चार गुमानी, नव दो ही रोज चहते प्राणी, जा उन्हीं के पास जा,
दास तो दास रहता है, नौकरानी बन के रहना पड़ेगा। फिर राम जी के पास में गए, राम जी ने कहा अब तो भाई इतनी खुशी आ गई, उसी समय अपना राक्षसी भेष बना लिया और बनाकर ज्यों ही सोची सीता को खा जाऊं मेरा काम हो जाए। बस लक्ष्मण जी उसी तैयारी खड़े थे, लक्ष्मण जी लक्ष्मण अति लाघव से नाक कान बिन कीन ताके कर रावण कह मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने रावण को चुनौती दे दी, नाक और कान काट डाला उसका। क्यों क्यों नाक कान काटा? कवि भोलानाथ जी ने लिखा है रावण बहन ल जा रहित वो जा पहुंची श्री राम पे। शर्म लाज जब मर गई तो नाक का भी क्या करे, जब शर्म है ही नहीं तो नाक क्या है, काट दिया नाक।